नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे डेली न्यूज में। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। इमरान ने सोमवार को ट्वीट किया है कि भारत आधिकारिक कश्मीर में लगातार कश्मीरियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां बेगुनाह कश्मीरियों को मारा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को मानकर कश्मीर की समस्या को सुलझाना चाहिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा, भारतीय सुरक्षा फोर्स के द्वारा भारत आधिकारिक कश्मीर में कश्मीरियों को मारा जा रहा है, ये निंदनीय है। अब समय आ गया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को मानकर कश्मीर की समस्या को सुलझाना चाहिए। यही नहीं, कश्मीर के लोगों को अच्छा है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों निकाय चुनाव चल रहे हैं। इस बीच लगातार स्थानीय लोगों और सेना के बीच झड़प की खबरें आती रही हैं। इसके अलावा सेना के द्वारा घाटी में छिपे आतंकियों के खिलाफ भी लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब इन्हीं घाटियों को ढाल बना इमरान खान ने भारत पर आरोप लगाए हैं। आपको ये भी बता दें कि पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने के बाद इमरान खान ने इस तरह कश्मीर का राग अलापा है। इससे पहले भी वे लगातार इस तरह की बातें करते आए हैं। इससे पहले सरकार गठन के कुछ दिनों बाद ही इमरान सरकार ने मंत्री शिरीन मजारी ने दावा किया था कि उनकी सरकार कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। हालांकि बाद में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया था। आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ न्यूयॉर्क में ही बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे भारत ने पहले स्वीकार कर लिया था, पर बाद में आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान की हत्या के बाद ये बातचीत कैंसिल हो गई थी। यूएन में भी अपने भाषण के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। सुषमा ने पाकिस्तान को अपनी जमीन से भारत में आतंकियों को भेजने और आतंकी घाटियों को अंजाम देने पर काफी खरी खोटी सुनाई थी।